तो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी दैट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन रेशियो 1:2। राइट, तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। दिस इज ए, दिस इज माई बी, और ए बी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको पता ही है, जो मुझे फॉलो करते हैं 1.5 साल से, उनको पता है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो प्लीज इसमें मुझे माफ कर देना ना। ए क्या है मेरे पे? -4.1। और बी क्या है मेरे पे? 17.10। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि ए बी को डिवाइड करता है। ये एक पॉइंट है पी। यहां से देखिए, इन रेशियो, जो रेशियो में तोड़ रहा है, ये है 1:2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों के कहीं बीच पे, या कहीं बीच के इधर बीच में कहीं पी पॉइंट है, जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को रेशियो में तोड़ रहा है, 1:2 में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट द ओपी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ओपी वेयर ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, और क्या कह रहा है, इनवर्ट रेशियो डस वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ये भी हम कर लेते हैं। पहले हम क्या करना है, राइट आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। इस पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, बड़ा इजी है। तो देखो x, y में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, और उसको हम लगा लेते हैं। देखिए, x, y इक्वल्स टू m+n, m x2 + n x1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ y के कोऑर्डिनेट्स m+n। ये हो जाएगा m y2 + n y1। राइट, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। m हो जाएगा मेरे पे कितना, m इज माई 1, n है मेरा 2, यहाँ पे भी कॉमा 1, 1+2। राइट, और m मेरे पे है 1 × x2। क्या है मेरे पे? देखिए, x2 है मेरे पे 17। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 17 + n कितना है मेरे पे? 2 × x1 है मेरे पे, देखिए -4। x2 कह रहा हूँ मैं, x1 ना, x2 तो मेरे पे 16 है, और x1 है मेरे पे -4, तो मैं -4। ठीक है, फिर m है मेरे पे 1 × y2। क्या है मेरे पे? देखिए, y2 है मेरे पे 10, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 + n है मेरे पे 2 × y1। क्या है मेरे पे? 1। ठीक है, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो जाएगा 17, 4 × 2 = 8, माइनस का 8 आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे 3, 10 + 2/3। राइट, तो ये हो जाने वाला है मेरे पे 11 कह रहा हूँ, सॉरी 9/3, 12/3। राइट, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3 3 जा और 3 4 जा। तो देखो मेरे पे जो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो कितने हैं, 3.4। राइट, तो ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पे आए, ये कितने थे? 3.4। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। तो बच्चों, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ओ पी वेयर ओ इज द ओरिजिन। अब यहाँ पे देखो मेरे को पी तो पता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ओ होगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक बनाया, ये मेरा पी है, और यहाँ पे ना लेट सपोज ये ओरिजिन है। यहाँ पे लेट सपोज ओरिजिन है 0.0, और यहाँ पे मेरे पॉइंट है ए एंड बी। राइट, और यहाँ पे जो मेरा पी है, पी कितना था मेरे पे? 3.4 है ना, ये 3.4। अब ये क्या कह रहा है भाई, इस ओरिजिन से 0.0 से यहां तक की डिस्टेंस बनाओ। बहुत इजी है। क्या करना है मुझे, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, तो भाई ओपी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? सीधे सीधे क्या लिखूंगा मैं, देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सिंपल, तो देखिए x मेरे पे है 3, और y एक्स वन मेरे पे एक्स टू कितना है मेरे पे? 0, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे पे 4, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। कितना इजी है यार। तो ये हो जाएगा 9 + 16, तो ये हो जाने वाला है √25, विच इज 5 यूनिट्स। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो ओपी का जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 5 यूनिट्स। क्या बात है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं, इन वट रेशियो डस वाई एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए बी
यहाँ पे है मेरे पे ए, दिस इज माई बी, और ये वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ये वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ये बोला इसने, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि इन दोनों को कितने रेशियो में ये करेगा डिवाइड, ऐसे ही बोला इसने कुछ, है ना, एम और एन, बड़ा इजी है ये। हम कितने क्वेश्चंस कर कर लिए हमने यहाँ पे ना ऐसे। तो चलो मैं ए के अकॉर्डिंग, -4.1 17.10 है ना, -4.1 और 17.10, राइट। तो मैं एक बार दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब ये y एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है x एक्सिस यहाँ पे जीरो होने वाला है और y एक्सिस में कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है उसको मैं यहाँ पे, मुझे पता चल गया कि ये 0, y कुछ होने वाला है ना, तो इसके मैं अब सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, तो 0, y इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो m मेरे को पता नहीं है यहाँ पे, n भी मुझे नहीं पता और मुझे यही निकालना है। तो देखिए m प्लस एन, m एक्स टू प्लस एन एक्स वन कॉमा एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख लिया है फॉर्मूला और अब मैं वैल्यू रखता हूँ। देखिए ये जो जीरो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो वाई वाला है ये इसको है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए 0 इक्वल्स टू m x2 में क्या है मेरे बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स वन, दिस इज वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू, राइट। तो वाई टू कितना है मेरे पे देख लीजिए 17, तो ये हो जाएगा 17 प्लस एन कितना है मेरे पे, एन ही है, और एक्स वन कितना है, एक्स वन है मेरे पे -4 अपॉन एम प्लस एन, राइट। एम प्लस वन एन इधर आएगा, अभी मैं सेकेंड वाले को नहीं सॉल्व कर रहा, इसी को कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 17 m -4 n, ये -4 n मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 n इक्वल्स टू 17 m, ठीक है। ये n को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 17 m अपॉन n, है ना, n है, 4 लिख रहा था मैं इसकी जगह, हो जाता है कभी कभी देखो। तो ये 17 को मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 17 इक्वल्स टू m अपॉन n, और देखिए मेरा ये रेशियो आ गया, मुझे यही चाहिए था। तो देखो m रेशियो n जो होगा हो जाएगा कितना मेरे पे, 4 रेशियो 17, और यही मुझे चाहिए था शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रेशियो बस यही चाहिए था, और ये हमने निकाल लिया, क्या बात है क्या बात। चलो नेक्स्ट करते हैं।